वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है गीत की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और परतोदार मटर की क्रिस्पी क्रिस्पी पफ पैटीज, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं इसे बनाऊंगी बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मटर पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। मैंने डो बनाने के लिए लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा। आप चाहे तो केवल मैदा या केवल आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को दोनों हाथों में रख के ऐसे रगड़ के डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक। सारी चीजों को सूखे पर ही हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसको हम हाथ से मिक्स करके खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मोयन करेंगे। ऐसे रगड़ते हुए मोयन देंगे। आटे के लड्डू बनने लगे हैं, इसका मतलब मोयन अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सेमी टाइट डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सेमी सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल करके चारों ओर से चला करके ऐसे गूंथ करके चिकना कर देंगे और इसे कवर करके रेस्ट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। स्टफिंग के लिए 2 कप मटर। 2 कप मटर के लिए मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 हरी मिर्च और लगभग 15-20 कलियां लहसुन की। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हम ड्राई सा पेस्ट तैयार करेंगे बिना पानी डाले। मिर्च और लहसुन का फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। 2 कप मटर और 1 मीडियम कच्चे आलू को हम साथ में पीस लेंगे। और कच्चे आलू को हमने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाल करके पीसा हुआ है। गैस पे एक पैन रखे, उसे गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 मीडियम चॉप किए हुए प्याज। इसे हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज होने लगा है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे और उसके कच्चा पन निकालने तक भूनेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर और आलू का पेस्ट जो कि हमने पीस के रेडी किया था। साथ में मटर के पेस्ट में डालेंगे स्वादानुसार नमक, जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। सारी चीजों को मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मटर खूब अच्छे से फ्राई हो गई क्योंकि अब ये अलग हो जा रही है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप कुछ 1/2 नींबू तक निचोड़ सकते हैं इसमें। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। धनिया की पत्ती डाल देंगे चॉप्ड की हुई और इसको मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। एक बाउल में हम लेंगे 3 टेबल स्पून मेल्टेड देसी घी। इस घी में उसी टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी के मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसे बहने वाली होनी चाहिए जिससे ये लगाने में आसानी हो। आटे को एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम अपने मैदे और आटे के मिक्सचर को ऐसे रोल कर लेंगे, लंबा सा लॉग बना लेंगे और इसे 2 पार्ट में कट कर देंगे। एक पार्ट को हम रख दे रहे हैं ढक करके और इसको हम अच्छे से लंबा कर दे रहे हैं। आटे को हम इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम अपने 7 पेड़ों को मैदा डस्ट करते हुए गोल गोल पतली पतली रोटियों में बेल लेंगे। इसे काफी पतला सा बेल लिया है एज पॉसिबल कि नीचे से हल्की हल्की उंगलियां भी दिख रही हैं। इसे हम किसी थाली या प्लेट में हल्का सा मैदा डस्ट करके रख देंगे और सारी रोटियां ऐसे ही बेल के इस पर रखते जाएंगे। 7 रोटियां हमने बेल ली है और जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था अब हम उसे ब्रश या हाथ की सहायता से इस पे चारों ओर अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, अपनी दूसरी रोटी को चिपका देंगे। इसके ऊपर हम फिर से वह घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाएंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से, फिर मैदा डस्ट करेंगे, उस पर अपनी अगली रोटी चिपका देंगे।
फ्रेंड्स, इस तरीके से ये खूब परतदार रेडी होगी और साथ ही साथ में बहुत ही खस्ता बनेगी। ऑयल का मिक्सचर मोयन करते समय क्रिस्पी बनाता है, जबकि देशी घी का मिक्सचर इसे खूब खस्ता बनाता है। सातों रोटियों को हमने एक साथ पेस्ट लगा के कवर कर दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे करके टाइटली रोल करेंगे, बहुत दबा के नहीं करेंगे, हल्के हाथों से और टाइट टाइट करके करेंगे और फिर इसे एक ही डायरेक्शन में रोल करते हुए लंबा कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। लंबा सा लॉक बनाने के बाद हम इसे इंड पॉइंट को हटा देंगे दोनों ओर से। अब हम चाकू को हल्के हाथों से बिल्कुल आरी की तरह हिलाते हुए इस तरीके से इसके टुकड़े तैयार करेंगे। इस तरीके से इसलिए करेंगे ताकि इसकी परत दबे ना। अगर हम फोर्सफुली दबा के काटेंगे तो इसकी सारी परतें आपस में चिपक जाएंगी। ऐसे काटने से इसकी परतें चिपकेंगी नहीं और ये खूब परतदार बनेगा। ये देखिए, इसकी सारी परत दिख रही है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी परत इसकी अच्छी से दिख रही है। अब हम इसको हल्के हाथों से दबा के ऐसे पेड़े जैसा बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके पूड़ी की तरह बेल लेंगे। इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे जिससे इसकी परत जो है दबे ना। अब हम इसे चारों ओर से कट करके चौकोर बना लेंगे जिससे कि बिल्कुल मार्केट वाला शेप दे सके। बीचों बीच स्टफिंग रखेंगे। आधे पार्ट में पानी लगा के इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। फिर हम फोक की सहायता से इसे चारों ओर ऐसे दबा के डिजाइन भी दे लेंगे और पैक भी कर लेंगे जिससे कि ऑयल में पड़ने पर मटर इसमें से बाहर ना निकले। इसी तरीके से हम अपनी सारी पैटीज बना लेंगे। आप चाहें तो इसे रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकते हैं, बीच में रख के ऐसे चारों तरफ से दबा करके फिर फोक से इसको चारों ओर से दबा देंगे। गैस पे हमने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी पैटीज को डाल देंगे। जी हाँ, हम इसे बेक नहीं कर रहे हैं, इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। आज हम स्लो रखेंगे जिससे कि ये खूब क्रिस्पी होने तक पके। पैटीज पे हम ऊपर से गरम तेल डालते जाएंगे जिससे कि अच्छे से पकता रहे और एक दूसरे से चिपके। हम इसे पलट देंगे और फिर इसे हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। अब हम इसे फिर से पलट देंगे हर ओर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है। और हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक, देखिए दोनों ओर से कितना क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी पैटीज को डीप फ्राई कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म खस्तेदार ढेर सारी परतों वाली मटर की पफ पैटीज। ये देखिए, ये कितनी ढेर सारी परतें हैं इसमें और ये कितनी क्रिस्पी है ये देखिए। इसकी स्टफिंग भी देखिए, लग रही ना टेस्टी, आया ना मुंह में पानी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।